हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी बढ़िया और चावल। क्या ही डिश बनती है खाने की, और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। आज उनकी फरमाइश थी कि मम्मा आज ये बनाया जाए, तो मैंने कहा चलो बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये डिश किस तरह से बनती है। सबसे पहले आप ले लेंगे बढ़िया तकरीबन एक पाव, और चावल हमने ले ली हैं तकरीबन 5 खाने के चम्मच। ये साबुत चावल है, इसको हमने साफ करके अच्छा सा भिगो लिया है। रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत है वो आपके सामने है। हमने एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको छोटा छोटा काट लिया है। एक बड़ा टमाटर ले लिया था, उसको भी काट लिया है इस तरह से। और ये है जी अदरक लहसुन का 1 खाने का चम्मच। 1 चम्मच जो है रेड मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच जो है सूखा धनिया है, 1 चम्मच नमक है। ये हमने सारे मसाला जात ले लिए हैं। और इसमें शामिल है जी 2 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें, और 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा है। तो चलिए जी, किस तरह से बनाई जाती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमने एक अदद कढ़ाई ले ली है, और ये जो बढ़िया हमने बनानी है उसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। याद रखें कि हल्की आँच पे हल्के गरम ऑयल में आपने डालनी है, और साथ ही जो है वो आंच ऊंची कर दे। साथ साथ आप चम्मच चलाते रहें ताकि ये जो है अच्छी सी ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं ये बढ़िया ब्राउन हम स्टार्ट हो गई है। मज़ीद हम इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं बढ़िया जो है हमने अच्छी तरह से फ्राई कर ली है, कुछ इस तरह से इनका कलर हो जाता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। अब हमने एक पतीला ले लिया है, और इसमें हमने ऑयल डालना है, वही ऑयल डालेंगे जिसमें हमने बढ़िया जो है वो फ्राई की है। फ्लेम ऑन कर दिया है, और इसमें हम डाल देंगे जी प्याज। प्याज गर्म करते वक्त हम इसमें नमक डाल देंगे ताकि प्याजों का कलर जो है वो बिल्कुल शैलो ब्राउनिश नज़र आए। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये काली मिर्च, लौंग और जीरा। अब डालेंगे अदरक लहसुन, मिर्च, हल्दी और कुछ धनिया। अच्छे से चम्मच मिलाएंगे, जब तक ये खुशबू आए इसको हम भूनते रहेंगे। ये मसाला अच्छी तरह से भून गया है, खुशबू आने लगी है माशाल्लाह, और आप हम टमाटर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसको ज़्यादा स्पाइसी बना सकते हैं अगर आप मिर्च ज़्यादा खाते हैं। टमाटर हमने ऐड कर दिए हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, और इसका ढक्कन हम कर देंगे कि पानी। अब हम देखते हैं कि मसाला रेडी है या फिर रेडी। माशाल्लाह, अब देख सकते हैं मसाला जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी जो कि हमने पहले से बॉईल कर दिया था। ये हमने बॉईल किया हुआ पानी है, इसमें डालना है। आपने इसमें खुला पानी डालना है, याद रहे कि पानी बॉईल करके ही डालना है आपने, गरम गरम हो, क्योंकि बढ़िया अगर आप डाल के और ठंडा पानी ऊपर से डालेंगे तो वो गलेंगी नहीं, सही तरह से पकेंगी नहीं। तो अभी हम मज़ीद वेट करते हैं इसके बॉईल होने का। पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये बढ़िया। देख सकते हैं कि पानी इस तरह से बॉयल हो रहा है, इसमें बढ़िया भी हमने डाल दिया, वो भी साथ ही बॉयल हो रही है। और अब हम इसको भर देंगे बिल्कुल प्रॉपर, और आँच कर देंगे धीमी, यानी कि इतनी धीमी भी नहीं करनी, इतनी करेंगे कि आपकी बढ़िया जो है वो अच्छे से बॉयल हो गई। तकरीबन आधा घंटा हो गया है ये हमने बॉयल होने के लिए रखी हुई है बढ़िया सूप में। तो देखते हैं कि ये माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि
कि कितनी कितना बड़ा साइज हो गया है इसका। ये देखिए माशाल्लाह से गल गई है, हल्का सा कसर है, लेकिन अब हम इसमें साथ ही हम चावल डाल देंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे, उसमें ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने देंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चावल और बढ़िया रेडी हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अब हम आपके लिए ये पेश करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही यमी एंड टेस्टी रेसिपी आपके लिए रेडी है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। दुआ में याद रखें और मेरी रेसिपी को एंजॉय करें।